CAPFAC 2023 MISAN 250 plus in written और टुडे वी विल सी डे थ्री। इस सीरीज को मैं इस ढंग से डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चंस जो इस ढंग से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप पूरे जो सीरीज है उसको करोगे तो एटलीस्ट आप 30 प्लस मार्क्स जो है वो इंक्रीज जरूर होगा पेपर वन एंड पेपर टू को मिला करके। लेकिन वो मैं स्टार इस वजह से लगाया हूँ कि कंडीशन अप्लाइड की ऐसा नहीं है कि हर कोई कुछ ऐसे कंडीशन में है जो ऑलरेडी बेटर में हो, बहुत अच्छे में हो, तो उनके लिए बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। अब जस्ट सोचो, कोई पेपर वन में ऑलरेडी बोलोगे कि मैं 110 प्लस ला रहा हूँ, या कोई बोलोगे कि मैं तो 120 प्लस, तो उनके लिए जब एक बार आप एक सिचुएशन लेवल पे पहुंच जाते हो तो वहां बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उन कैंडिडेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन कैंडिडेट्स की जिनकी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दोनों पेपर में करेंगे तो उनका काफी अच्छा बेनिफिट होगा, तो उन कैंडिडेट्स के लिए है। जैसे जैसे आपका टाइम आता जा रहा है नजदीक, आपके मन में बहुत सारे टेंशन क्यूरियोसिटी बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो एट लास्ट डे तक आप अपना एनर्जी लगाते रहोगे। लास्ट मोमेंट पे अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। रिवीजन मूल मंत्र है, रिवाइज करो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो प्रैक्टिस करो। अब नई चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी सारी चीजें आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आज तो है 11th of July को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो फर्स्ट आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th July एवरी ईयर, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फॉर पीरियड 2018 टू 20 इन इंडिया इज 97 पर लाख लाइव बर्थ। ये भी एक तरह से देखा जाए तो 97 भी ज्यादा है, क्योंकि 97 महिलाएं उनका डेथ हो जा रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी हो जा रहा है, तो ये भी एक ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम इंप्रूवमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम पॉजिटिव में चल रहा है तो ठीक है। ये आप इस ईयर का जो थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, ये थीम इस बार क्या है, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आर वर्ल्ड इनफिनाइट पोटेंशियल। जो हमारी दुनिया में जो महिलाएं हैं, तो जेंडर अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी कि वुमेन को भी इक्वल आपको पार्ट बनाना है, और अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आर वर्ल्ड इनफिनाइट पोटेंशियल। दुनिया में बहुत पोटेंशियल हैं, तो ये इसके सी हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टर्म ग्लोबल साउथ फर्स्ट अपीयर्ड आफ्टर वर्ल्ड वार वन इन 1923। अब ये लगेगा कि 19 समटाइम क्या होता है, ये 100 ईयर्स पूरा हो रहा है, यस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये आपका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये फर्स्ट टाइम शायद, अब ये 100% ये नहीं, लेकिन जनरली जो लिटरेचर में मेंशन है तो फर्स्ट टाइम 1969 में इसको ये यूज किया गया। एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कह सकते हो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है कार्ल, ठीक है, तो कार्ल ओग्लेसवी, ठीक है, OGLESBY, ओग्लेसवी जो है कार्ल ओग्लेसवी, तो इन्होंने ये पहली बार 1969 में अपने राइटिंग्स में ये यूज किया था, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ग्लोबल साउथ रेफर्स टू वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दैट आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। ये टर्म अभी क्यों हमने ये इसको दिया, एक तो देखोगे कि जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो G7 के समिट में, G7 का इस बार समिट कहाँ हुआ था, जापान में, तो इसी ढंग से आपको छोटे छोटे चीजों को रिलेट करते चलना है। तो G7 के जो समिट हुए थे तो जापान में, उसमें जापान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था, तो उसमें से जो इंडिया एक तरह से वॉज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि चाइना उसमें ये था नहीं, चाइना इस एरिया का लीडर यदि ऐसे है, हमसे बड़ा पावर इकोनॉमी मिलिट्री टर्म में है, लेकिन चाइना और जापान का प्रॉब्लम है, और चाइना और जो अदर कंट्रीज G7 के हैं तो बहुत सारे से इनका प्रॉब्लम है, तो चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था, इंडिया को किया गया था, तो इंडिया वाज रिप्रेजेंटिंग एज अ लीडर, तो इस संबंध में भी आपका वो उस समय यूज किया गया, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। अब G7 में कौन से मेंबर हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, ओके, सो ये सब कंट्री जो है उसके ये पार्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है श्रीखंड महादेव यात्रा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। श्रीखंड महादेव यात्रा जो है वो कुछ दिनों के लिए, ये यानी कि जो बर्फ पे वो
पाया जाता है। तो इसमें से जो बर्फीली एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में ये शायद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ जो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, 2 डेज लगता है, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रायर कराना पड़ता है। तो अभी जैसे इस वजह से भी थोड़ा सा कभी न्यूज में रिसेंटली ये था उसमें से, और अभी फ्लड वगैरह तो नॉर्मली देखोगे कि आपका क्वेश्चन करीब 1 मंथ पहले, लेकिन ये प्लान यात्रा का तो पहले हुआ था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जानना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। द डेफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज गोइटर, गोइटर जो है घेंघा रोग, या गला में जो गला सूज जाता है, गला में फूल जाता है, सूज जाता, सूजन हो जाता है। तो डेफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन जो है वो गोइटर कॉज होता है। और इसमें से कहते हैं ये जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी के कारण, यानी थायरोक्सिन जो उसका थायरोक्सिन की कमी, तो थायरोक्सिन जो सेक्रेटेड हो रहा है और आयोडीन जब आप नहीं लेते हो, आयोडीन की कमी होती है, तो इसमें ये होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, क्लोरोक्विन इज यूज टू क्योर गोइटर, नो, आपको आयोडीन लेना है। क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो ये जब मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1-1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाइड्रोजन आइटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन आइटम। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रो मीन सॉल्ट होता है, जेन मीन्स प्रोड्यूस, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, अस्टेटीन है, तो ये सब क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। ये तो इनका क्या है, जैसे जैसे इन जनरल आप जो है राइट की ओर बढ़ते जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाता है। और लेफ्ट वाले साइड खास करके जैसे देखो ग्रुप ए वाले जो भी होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, तो इसके जो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग करने की क्षमता होती है। लेकिन हाइड्रोजन जो होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ये खींचते हैं। अब इसको क्या है, NaCl, सिंपल एक कंपाउंड लो, साधारण सिंपल सॉल्ट। तो Na में क्या होता है, 281 होता है, यानी कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 287 होता है, तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो ये 7 है, तो ये 1 ले लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा, तो इसका भी 2 और 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन आइटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन आइटम। अब मान के चलो उस आधार पे, देखो इसके आधार पे यदि देखोगे तो जो होना चाहिए था हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन से ज्यादा, ये ऑक्सीजन का कम होना चाहिए था, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन का है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन। अब ये इस वजह से ये एक्सेप्शन वाले केस में है, इस वजह से मैंने दिया था, क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखोगे तो फिर लगेगा कि आपका ये गलत होना चाहिए, लेकिन आपका ये भी सही है। इसका कारण क्या है, देखो एक कंपाउंड सपोज ये ले सकते हो, HClO3, सपोज आप ये ले सकते हो, या HClO7, अब सॉरी 4, फोर आप ये लेते हो। अब ये देखो क्लोरीन के पास 7 है, इसके पास 2 है, तो ये -8 हो गया, तो यहाँ क्लोरीन को पॉजिटिव हो जाना पड़ेगा, और यहाँ ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो 7 पॉजिटिव इसको हो जाना पड़ेगा, इसको 2 निगेटिव, तो इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ ज्यादा है, तो ये भी सही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, CXH2O2 इज जनरल फॉर्मूला फॉर, तो ये जैसे देखो जो ग्लूकोज है, तो क्या आप जानते हो C6H12O6, ये 12, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, C6H2O और 6 के फॉर्म में लिखे ये, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या फिर ये लो सुगर लो, तो C12H22 और O11 ये होता है, तो इसको C12H2O और 11, इसका मतलब इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है उसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। दे आर एसिडिक इन नेचर, तो अमीनो एसिड जनरली जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। दे आर बेसिक इन नेचर, यस। दे आर न्यूट्रल इन नेचर, ये डिपेंडिंग ऑन उसके कंडीशंस, उसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं उसके आधार पे वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जनरली जनरली एसिडिक इन नेचर होगा।
तो ये लगेगा अमीनो एसिड्स है तो एसिडिक इन नेचर, लेकिन ये आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों होगा, अदरवाइज ऐसे देखोगे तो एसिडिक लगेगा वन स्टेटमेंट, तो ये आपका ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू है, तो इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स, एक्चुअली जनरली टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक आपका जो होता है फाइबरस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर, तो ग्लोबुलर के बारे में ये कह रहा है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे आर जनरली सर्कुलर इन शेप, यस, ग्लोब, ग्लोब क्या है कि गोल है, तो सर्कुलर होता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा एक ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है, तो ये आपका एक एलिमिनेट हो गया। सेकेंड है, दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन फैट, नहीं, ये यूजुअली जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। जब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारा आंसर बन गया इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यस ये सही है, तो वन एंड थ्री आपका हो जाएगा, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड कॉमनली फॉर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो जनरली जो है पार्टिकुलेट मैटर्स, जो PM 2.5 आप देखते हो या PM 10 देखते हो, तो इनको जो आपके क्या है जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट जो है, कोल जब जलता है तो इतने डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल को यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए हुए हो तो उस डस्ट पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो वायुमंडल है, जो एटमोस्फेयर है, उसमें कम रिलीज होगा, तो वो जो है हेल्थ के लिए कम हजार्ड होगा। PM 2.5, PM 10, ये सब जो है हेल्थ के लिए काफी हजार्ड है, तो ए। नेक्स्ट आपका 10 नंबर का रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। CNG आप देखोगे कि दिल्ली में जो बसेस हैं वो CNG से चल रहे हैं, जो दिल्ली में डीजल पेट्रोल को मिनिमाइज किया जा रहा, तो बहुत लंबे समय से 2010 से ही देख रहे हो, तो CNG बर्न्स मोर इफिशियंटली देन पेट्रोल और डीजल, यस ये सही है, एंड CNG चीपर देन पेट्रोल और डीजल, यस ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन, ओजोन आपका क्या होता है O3 होता है, यानी कि वन ओजोन मोलेक्यूल में थ्री ऑक्सीजन के एटम है, मेजोरिटी ऑफ ओजोन आर कंसेंट्रेटेड इन ट्रोपोस्फेयर, नो ये ट्रोपोस्फेयर नहीं स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, तो मेजोरिटी ऑफ ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, ओके, सो ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन डॉप्सन यूनिट्स, यस ये सही है, तो सेकंड सही है, तो बी ओनली, टू ओनली हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है, कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इट इज फॉर कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, अभी हमने ओजोन वाला एक क्वेश्चन देखा था, तो ये उसी के कंटिन्यूअस में है, एक तरह से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो CFC है, HFC है, इट वाज साइंड इन 1987, यस ये साइन 1987 में किया गया, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, इट केम इन इफेक्ट इन 1997, नहीं ये 1987 में साइन किया गया और 1989 में इफेक्ट में आया, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है वो चंगेज खान या गंगेज खान, जिनको इंग्लिश में गंगेज खान कहते हो या फिर हिंदी में चंगेज खान के नाम पर ये दिया है, खान क्वेस्ट 2023 जो है कहाँ हुआ, तो ये खान आप यदि इसके बारे में जानते हैं तो ये आराम से बन जाता, मंगोलिया, मंगोलिया का चंगेज खान था, तो ये इसमें से 20+ कंट्री के जो 20+ कंट्री के जो कंटिजेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमारे इंडिया से जो कंटिजेंट पास ये जो पार्टिसिपेट किया वो गढ़वाल रेजिमेंट के, गढ़वाल राइफल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये 14 डेज एक्सरसाइज जो आपका हाल में कंडक्ट किया गया, और UN पीस कीपिंग मिशन को किस ढंग से दुरुस्त किया जाए, किस ढंग से उसे अच्छा और किया जाए उसके संबंध में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्स्ट इवर सेंसस ऑन वाटर बॉडीज इन इंडिया, तो वाटर बॉडीज के जो सेंसस हैं उस पर, इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, नो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो यह फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका आंसर बन गया।
इट कवर्ड ओनली वाटर बॉडीज इन अर्बन एरिया, नो, इनफैक्ट 2.4 मिलियन प्लस यानी 24 लाख प्लस वाटर बॉडीज के डेटाबेस को ये कंसीडर करेगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है. इट प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेस, नेचुरल एंड मैनमेड वाटर बॉडीज, ये सही है. तो 3 ओनली सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया. तो ठीक है, तो डी आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट रीहैब, ये सिर्फ आप इसके फुल फॉर्म, बहुत सारे चीजों के फुल फॉर्म आप जानते हो तो ये बन जाता है. तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, ये आपका यूजिंग बीज, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी, यानी मधुमक्खी के सहायता से, मधुमक्खी के सहायता से जो है एलिफेंट्स को भगाना, एलिफेंट्स जो मधुमक्खी की आवाज जो ये है तो उसके से वो भागते हैं, तो हम उसके थ्रू ये यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है, प्रिवेंटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेस रेट, बेस रेट के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है. इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड टू इट्स कस्टमर, यस ये सही है कि ये एक ऐसा रेट है जिस पर बैंक जो लोन देती है अपने कस्टमर को, जो इवन मोस्ट ट्रस्टवर्दी कस्टमर है, तो उनको इससे बिलो पर लोन नहीं देते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है. तो ये अदरवाइज अपने आप में स्टेटमेंट सही है. इसका एक्सेप्शन क्या है, ये आपका जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको फॉलो नहीं किया जाता है, जो अदरवाइज PSL को छोड़ दिया जाए तो बाकी में ये फॉलो किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट है इट इज फिक्स्ड बाय RBI, यस RBI फिक्स करता है कि इससे नीचे आप नहीं कर सकते हो, इससे ऊपर कर सकते हैं बैंक्स, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि बैंक को भी तो जरूरत होता है. एवरी बैंक की सेम बेस रेट एज सेट बाय RBI, नो, हर बैंक में देखोगे कि अलग अलग होता है, पर्सनल लोन, कार लोन और बहुत सारे टाइप्स के लोन, तो हर बैंक के अलग अलग होते हैं, तो हर बैंक अपने, लेकिन उस मिनिमम से आप कम नहीं रखोगे. तो तीसरा स्टेटमेंट सही, ये गलत है, क्योंकि एवरी बैंक सेम बेस रेट नहीं रखते हैं, वो सब अलग अलग रखते हैं. बाकी आप डिपेंडिंग ऑन हर बैंक, जिसको लगता है कि हमारा इसमें प्रॉफिट हो सकता है तो कर सकते हैं. तो 1 और 2 सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन वज्र प्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें. इट इज डन बाय इंडिया यूएसए ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस, तो यस इंडिया यूएसए के ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस, ये काउंटर टेररिज्म के लिए है, जो टेररिज्म से डील करने के लिए आपका, तो ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म पे, तो फर्स्ट सही है. 13th एडिशन वॉज कंडक्टेड इन बैकलोह इन हिमाचल प्रदेश, तो जो 13वां संस्करण है जो हिमाचल प्रदेश के बाकलो में किया गया था, तो ये सही है, ये एवरी ईयर किया जाता है. और अल्टरनेटिव जैसे 22 में, ये 22 अक्टूबर में इंडिया में किया गया था, तो ये 13वां जो है दिसंबर यानी सॉरी अक्टूबर 22 में किया गया था, तो ये इंडिया में किया गया. उसके पहले 21 में अमेरिका में किया गया था, इस बार फिर जो है 23 है, तो 23 में यूएसए में किया जाएगा, तो ये भी आपको जानना चाहिए. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, अब मान के चलो ना इसमें सपोज पॉजिटिवली नहीं जानते हो तो नेगेटिवली हटा सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये आंसर यही हो जाएगा. लेकिन अब इसको देखो, दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ सीसेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, नो, ये कभी नहीं था ना उस समय, एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं उस समय करने के लिए तैयार थे. एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट, नो, इस समय तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. तो बी सी डी को आप एलिमिनेट कर दो, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हरिपुरा सेशन कांग्रेस का जो था 1938 में, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, एससी बोस, रिमेन्स ए माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, नो, इस समय वॉर आप डिक्लेयर कहां कर रहे हो, वो तो सुभाष चंद्र बोस बाद में ये किए, तो ये नहीं है. इट एनवाइटेड जवाहरलाल नेहरू एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, नो, 1942 के बाद ये क्लियर हो गया था कि अब जवाहरलाल नेहरू, पहले था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी हो सकते थे, लेकिन इसके बाद जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गांधी जी में थोड़ा मतभेद हो गया, तो गांधी जी ने कहा कि नाउ नेहरू नोट राजा जी विल बी माई सक्सेसर, तो ये सेकेंड भी सही है, ये सॉरी गलत है. नेक्स्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, यस ये आपका किया गया.
ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाय द कांग्रेस। नो, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था ना कि इसमें सारे ब्रेक हैं लेकिन स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये चलता नहीं है, इसमें ब्रेक और सारा चीज लगा चुके हो, तो ये गलत है, ये इसका विरोध बोध किया गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ इट इज 12 नून इन अ सिटी लोकेटेड 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, व्हाट वुड बी द टाइम इन अ सिटी लोकेटेड ऑन 105 डिग्री। तो ये जैसे वेस्ट जब जाते हो तो टाइम कम होता जाएगा, तो ये यहाँ 90 पर जब है तो 12 नून है, तो 15 डिग्री पर यानी एवरी डिग्री 4 मिनट, तो 15 डिग्री 15 इंटू 4 60 डिग्री 60 मिनट, इसका मतलब 1 आवर, तो ये 1 आवर पीछे चलेगा। तो यहाँ यदि 12 है 90 पर तो यहाँ क्या 11 आर होगा यानी 11 बजे होगा, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो आपका जो है क्वांट एप्टीट्यूड पे रहेगा। व्हेन अ नेचुरल नंबर इज n इज डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4। अब देखो कोई भी n नंबर ले लो तो 4 सिंपलेस्ट कौन सा होगा, 4 इंटू 1 प्लस 3 तो ये 7, या 4 इंटू 2 प्लस 3 करोगे 4 इंटू 2 3 तो ये क्या 11, तो 7 11 15 ये सारे इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है। तो 7 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बचता है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30। इन सबको डिवाइड यदि 4 से करो तो रिमाइंडर क्या होता है, 2 होगा, 2 होगा, सब में जितना चलते जाओगे तो 2, इसका मतलब है इसमें रिमाइंडर 2 होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहता है कि पूजा स्टार्टेड हर जॉब विद सर्टेन मंथली सैलरी एंड गेट्स ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, इफ हर सैलरी वाज 4200 आफ्टर 3 इयर्स। जब से उसने जॉब स्टार्ट किया तो 3 इयर्स के बाद उसकी पर जो सैलरी थी वो मंथली वो 4200, 3 साल बाद इसका यानी कि जब उसने स्टार्ट किया उसके 3 साल बाद इसका 4200 हुआ और 8 साल बाद सर्विस में इसका 6800 हुआ, तो कितना इसका इनिशियल सैलरी था और एनुअल इंक्रीमेंट कितना। तो देखो इधर पहले हम इससे निकाल ले कि 5 इयर्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 5 इयर्स में इंक्रीमेंट 6800 माइनस 4200, तो 6800 माइनस 6800 माइनस 4200 तो ये क्या हो जाएगा 2600, 2600 जो 5 इयर्स में बढ़ा, तो इसको डिवाइड 5 से करोगे तो 521 ईयर का इंक्रीमेंट है, तो 521 ईयर का इंक्रीमेंट, तो ये तो आप हट गया। अब ये देखो अब इसका 4200 ये था 3 इयर्स बाद, तो 4200 में 520 इंटू 3 माइनस करो तो 520 इंटू 3 1560, तो 1560 इसमें से माइनस करोगे तो 0, 4 ये आपका हो जाएगा 6 और ये 2, तो 2640 और 520, तो 2640 उसका इनिशियल पर मंथ था और 520 जो है पर ईयर का इंक्रीमेंट है, तो इसका जो आपका आंसर हो गया ये डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कह रहा है कि जो ये आपके दिए हुए हैं कि लेट ए कोई सेट है, तो ए सेट है जिसमें है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 है इसमें टोटल। कह रहा देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट कैसे निकालोगे, या तो आप 1 और 2 लिख सकते हो, 2 3 लिख सकते हो, ये इस ढंग से चलता रहेगा, फिर ये आप 1 और 3 लिख सकते हो, फिर क्या है 1 और 4 लिख सकते हो, 1 और 5 लिख सकते हो, इस ढंग से। इसका मतलब क्या है 10 C2 करोगे तो 10 C आपका ये 2, 10 C2 करोगे तो 10 C2 करोगे तो क्या होगा, तो 10 into 9 और ये आपका जो है ये factorial 8 नीचे divided by factorial 8 और into factorial 2, तो ये 8 से 8 factorial कट गया, अब ये 2 से ये तो 5, तो यानी 45 ऐसे सीरीज होंगे, 45 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 नंबर होंगे, ठीक है, तो ये आपका 45 हो गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशन। नेशन में देखोगे कि क्या है कि एन टू टाइम्स है और थ्री वॉवेल्स है, वॉवेल्स थ्री है, तो कह रहा सो डेट ऑल द थ्री वॉवेल्स शुड नेवर कम टूगेदर। तो अब जब नेवर कम टूगेदर है तो एक बार हमको पहले इसके विदाउट कंडीशन में हम निकालते हैं, तो विदाउट कंडीशन में निकालोगे तो पहले फैक्टोरियल सिक्स, क्योंकि छह वर्ड है और डिवाइडेड बाई टू करना पड़ेगा क्योंकि यन टू टाइम्स है, तो उसको डिवाइड करोगे तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू और डिवाइडेड बाई टू करोगे तो टू से टू कट गया। अब इसमें से क्या होगा, ट्वेल्व और ट्वेल्व का ये सिक्सटी, ये 360। तो विदाउट कंडीशन आपके 360 वर्ड्स होते हैं। अब मान के चलो कि तीनों, तो 360 तो अब ये इसमें कोई नहीं है तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखो बॉबेल तीन है तो तीनों बॉबेल को पहले आप एक मान लो, तो जब तीनों बॉबेल को एक मान लो तो अब कितने बचे, तो थ्री प्लस वन फोर हुआ, तो फैक्टोरियल फोर, लेकिन यन जो है टू टाइम्स है तो नीचे डिवाइड करो, लेकिन तीनों बॉबेल तो अपने आप में चेंज हो सकते हैं तो इसको फैक्टोरियल थ्री करोगे, तो फोर इंटू आपके थ्री इंटू टू और डिवाइडेड बाई टू, तो ये 12 हो गए और तो ये 12 और इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये क्या है 12 और इंटू 6 तो 72, तो 360 में से 72 को माइनस करोगे तो 288, तो 288 आपके ऐसे हैं जिसमें वॉवेल जो हैं वो साथ में नहीं होंगे, तो इसका आंसर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस पाले पेपर वन में, अ पर्सन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। तो मान के चलो कि ये आप बना लो इस ढंग से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सपोज करो कि कोई पोजीशन पे यहाँ था 12 किलोमीटर नॉर्थ, ये किया तो 12 किलोमीटर नॉर्थ, अब वहां से 15 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट इधर है तो 15 किलोमीटर चला, अब लेकिन 15 किलोमीटर ईस्ट चलने के बाद फिर 15 किलोमीटर वेस्ट चल रहा है, इसका मतलब फिर यहीं पर इसी पॉइंट पे आ गया। अब उसके बाद 18 किलोमीटर साउथ चल रहा है, तो 18 किलोमीटर साउथ, तो यहां तक तो ऑलरेडी 12 था और ये 18 चला, तो इसका मतलब क्या है, अपने जगह से कितने दूर है, 6 किलोमीटर, तो आंसर हो गया ए 6 किलोमीटर। तो ये 25 क्वेश्चन जो पेपर वन के थे ये आपके कंप्लीट हो गए। अब पेपर टू में लास्ट जो हमने यस्टरडे हमने दिया था, जो डे टू था, उसमें आपको टू ऐसे दिया था, इसमें मैं एक आर्गुमेंट टॉपिक दे रहा हूं और एक रिपोर्ट टॉपिक दे रहा हूं। आर्गुमेंट टॉपिक ये है, इंडिया इज डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक हॉट टॉपिक है और ये हमेशा अभी देखोगे कि रेगुलर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे अभी टोरेंशियल रेन है, कहीं बहुत बाढ़ आ जा रहा है, कहीं बहुत सूखा पड़ रहा है, गर्मी इतना ज्यादा एवरी टाइम जो है रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो इसमें फर्स्ट ये जो आप आर्गुमेंट फोर में लिखोगे तो क्या है कि इंडिया इज डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि भारत जो है पर्यावरण परिवर्तन को जो से डील करने के लिए अच्छा उपाय कर रहा है, और अगेंस्ट में लिखोगे कि जो हम उपाय कर रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है। अब लगेगा कि क्या हम भारत का विरोध करें और भारत को ये बताएं कि सही नहीं, ये आर्गुमेंट राइटिंग है, आपको कमियां फाइंड करना है तो भी आपका ये। नेक्स्ट आपका जो है चंद्रयान थ्री मिशन, चंद्रयान थ्री मिशन जो है इस ईयर में आपका लॉन्च का डेट है, तो इस वजह से चंद्रयान थ्री मिशन के बारे में आप जानो। चंद्रयान वन जो है हमारा सक्सेसफुल था, चंद्रयान टू भी बहुत हद तक सक्सेस था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो उसमें से प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो चंद्रयान थ्री मिशन के बारे में देख लो, इसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की है, जो भी पेड प्रोग्राम वाले हैं वो उसमें से लिखेंगे और लिख करके हमारे पास सेंड करेंगे, वो उसमें से फीडबैक उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।